वेलकम टू एग्रीकल्चर्स पॉइंट फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में ये हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और आप हमारा ये एग्रीकल्चर पॉइंट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे क्वेश्चंस और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस में डालते रहूँगा। और फेसबुक में भी पेज है एग्रीकल्चर पॉइंट, प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रिस्टेजा वायरस इन सिट्रस। सिट्रस प्लांट में जैसा आप जानते हैं ट्रिस्टेजा जो वायरस है बहुत ही हानिकारक वायरस है, तो इसके इंडिकेशन के लिए कुछ स्पेसीज है। सिट्रस में कई स्पेसीज है, तो उसके इंडिकेशन के लिए सिट्रस में एक स्पेसीज होता है और ऑरेंटिफोलिया, उसको यूज किया जाता है इंडिकेटर प्लांट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिट्रस और ऑरेंटिफोलिया। दूसरा क्वेश्चन है, बेंडिंग इन गुआवा ए प्लांट फेवर्स, मतलब गुआवा प्लांट में जो बेंडिंग का ऑपरेशन किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है बेटर फ्रूटिंग के लिए। तीसरा क्वेश्चन, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज कमर्शियली यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर बेरी एलोंगेशन। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को ही जानते होंगे कि बेरी एलोंगेशन के लिए ग्रेप्स में जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है, जीए थ्री का यूज किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ गावा। वैसे तो मैच्योरिटी इंडेक्स के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जैसे फिजिकल, केमिकल, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है ग्रेप के लिए वो यूज किया जाता है TSS का। TSS इसके कई वेराइटीज़ के लिए अलग अलग भी है। जैसे ग्रेप्स में मैं आपको बताना चाहूँगा जो TSS थॉमसन सीडलेस है उसके लिए 18 से 20 होता है। बेंगलोर ब्लू है उसके लिए 12 से 14 TSS पे उसका मैच्योरिटी इंडेक्स लेते हैं। और अनाबे शाही का 14 से 16 TSS पे मैच्योरिटी इंडेक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है TSS। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मृग बहार। तो आप जैसा कि जानते हैं पोमग्रेनेट में बहार रेगुलेशन होता है, तीन बहार होते हैं, मृग बहार, अंबे बहार और हस्त बहार। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि मृग बहार का टाइम कौन सा है। तो मृग बहार का टाइम होता है फ्लावरिंग टाइम पूछा है, ना कि फ्रूटिंग का। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, कई बार कन्फ्यूजन में गलत टिक हो जाता है। तो फ्लावरिंग का टाइम होता है मृग बहार में जून जुलाई। बहार में तीन बहार होते हैं, मैं आपको सभी के टाइम बता देता हूँ। मृग बहार में फ्लावरिंग होता है जून जुलाई में, अंबे बहार में होता है फरवरी और मार्च में, और हस्त बहार में अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है। जो जितने भी बहार रेगुलेशन वाले फ्रूट क्रॉप्स है जैसे सिट्रस हो गया, पोमग्रेनेट हो गया और गुआवा, तीनों में ये सेम टाइमिंग होता है फ्लावरिंग का बहार रेगुलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पपाया इसका आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ पपेन के बारे में। जो बेस्ट वैरायटी होती है पपाया की पपेन एक्सट्रैक्शन के लिए वो है CO2, CO4 और CO5। ये तीन बेस्ट वैरायटी होती है। इनके साथ साथ कॉर्क हनी ड्यू, पूसा मैजेस्टी और पूसा डिलीशियस भी वैरायटी पपेन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में बेर की प्रूनिंग का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। तो इसका आंसर है बेर प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम अप्रैल और मई, जब बहुत अच्छी गर्मी होती है, प्लांट डोरमेंट कंडीशन में होता है, उस समय प्रूनिंग की जाती है बेर में नॉर्थ इंडियन कंडीशन में। विच इज अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ बेर, बेर की अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी। तो जैसे यहाँ पे तीन वेराइटी दी हुई, उमरान, मुंदिया एंड गोला। तो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है गोला, इसके साथ साथ सेब जो वेराइटी है बेर की वो भी अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है। उमरान जो है लेट मैच्योरिंग वेराइटी है, और उमरान लेट मैच्योरिंग वेराइटी है। जो मुंदिया है ये मिड मैच्योरिंग वेराइटी है।
तो इस प्रकार से आप सभी नोट कर सकते हैं, उमरान लेट मैच्योरिंग वैरायटी, गोला, इसके साथ साथ जो सेब वैरायटी हो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, मुंडिया लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोसियस। आप जैसे जानते हैं पपाया में कई प्रकार के सेक्स फॉर्म वाले वैरायटीज होते हैं, गाइनो डायोसियस, डायोसियस। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोसियस, तो यहाँ इसका जो आंसर है पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ इज डायोसियस वैरायटी। और जो पूसा, ये सूर्या, कॉर्क, हनी ड्यू, ये सभी गाइनो डायोसियस वेरायटी है दोनों। और गाइनो डायोसियस वेरायटी में आप जो ऊपर मैंने बताया था, पूसा मैजेस्टी, पूसा कॉर्क हनी ड्यू, पूसा डिलीसियस, ये सभी गाइनो डायोसियस वेरायटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रूट स्टॉक इन बेर। बेर में रूट स्टॉक के लिए सबसे सुटेबल वेरायटी कौन सा है, तो इसका आंसर है न्यूमुलेरिया। न्यूमुलेरिया, जिजिफस न्यूमुलेरिया इज द बेस्ट सुटेबल वेरायटी फॉर बेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉर्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। एप्पल में मोस्टली डॉर्फ रूट स्टॉक यूज किया जाता है, तो उसके लिए पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा रूट स्टॉक सबसे डॉर्फ, मतलब डॉर्फ रूट स्टॉक है एप्पल का, तो इसका आंसर है M9। और भी कुछ बताना चाहता हूँ मैं, जैसे कि M27, ये अल्ट्रा डॉर्फ है। M27 ये अल्ट्रा डॉर्फ वेराइटी रूट स्टॉक है एप्पल का, और M793 ये विग्रस रूट स्टॉक है एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नोन एज। एप्पल से जो विनेगर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है सिडार, सॉरी साइडर। साइडर जो एप्पल, इसको कभी कभी एप्पल वाइन भी बोला जाता है, तो इसका सही आंसर है ये। फेनी जो है कैस्यू नट के एप्पल से बनाया जाता है, मीन्स कैस्यू एप्पल से बनाया जाता है, जो फेनी पेरी पियर से बनाया जाता है, तो इसका जो एप्पल जूस का या फिर विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल है, इसका सही आंसर है सीडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुहारा प्रिपरेशन। हाँ, डेट पाम मोस्टली छुहारा प्रिपरेशन के लिए ही उगाया जाता है कमर्शियली, तो इसके लिए बेस्ट वेरायटी कौन सी है या फिर सुटेबल वेरायटी, तो इसके लिए खदरावी जो है ये बेस्ट वेरायटी है छुहारा प्रिपरेशन के लिए। और भी वेराइटीज हैं जैसे कि सरन और मेडचूल, ये दो और वेरायटी हैं जो छुहारा प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती हैं। सपोटा के लिए रूट स्टॉक, विच रूट स्टॉक इज यूज फॉर सपोटा प्रोपगेशन। तो सपोटा के प्रोपगेशन के लिए खिरनी जो है रूट स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये सब यूजी लेवल के हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस हैं, जो यूजी लेवल के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, जैसे कि किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए देंगे या फिर कोई भी यूजी लेवल के जॉब के लिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से, तो ये सभी में आपके उपयोगी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर। आप ये सभी जानते होंगे बेर का मोस्ट सीरियस पेस्ट फ्रूट फ्लाई ही है, जो कि सीधे फ्रूट को नुकसान पहुंचाता है, आप वो बिल्कुल भी यूज के लिए नहीं, मतलब यूज नहीं कर सकते हम लोग उस फ्रूट को, इसलिए मोस्ट सीरियस पेस्ट बोला जाता है इसको। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई। अनार अनार बटरफ्लाई मीन्स पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट के सबसे जो इम्पॉर्टेंट या मेजर पेस्ट है वो है अनार बटरफ्लाई, तो उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है, जिसका आंसर है डिओडोरस आइसोक्रेट्स, जिसका साइंटिफिक नेम है अनार बटरफ्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैन इज चिकन हैन एंड चिकन डिसीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैन एंड चिकन, जो कि ग्रेप्स का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पेपर्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल्स से मोस्टली डिसऑर्डर पूछे ही पूछे जाते हैं, हर पेपर में 3 या 4 डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आप जहाँ तक हो सके डिसऑर्डर की तैयारी अच्छे से किया करिए, आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिट्रस कैंकर इज ए डिसीज। सिट्रस कैंकर किस प्रकार का डिसीज है, पूछा गया, फंगल है, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो हम सभी जानते हैं सिट्रस कैंकर इज बैक्टीरियल डिसीज, इसका जो
कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो जेंथोमोनास कॉम्प्रेस्ट्रिस होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। प्रोपिंग ऑपरेशन इज डन इन प्रोपिंग, प्रोपिंग किस में किया जाता है? प्रोपिंग एक ऑपरेशन होता है जो कि प्लांट को सहारा देने के लिए किया जाता है, एक लकड़ी के सहारे से उसको सहारा देते हैं ताकि प्लांट गिरे ना। तो ये किया जाता है बनाना में, ताकि उसके जो फल लगते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, जिसके तो प्रॉपिंग किया जाता है ताकि उन फलों के कारण प्लांट झुके ना, फिर ज़मीन पे ना गिरे, इसलिए प्रॉपिंग किया जाता है बनाना में। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ, मतलब अगर अपन बनाना को क्लोज प्लांटिंग में लगाते हैं, क्लोज प्लांटिंग करते बनाना की, तो किस डिसीज के होने की संभावना बढ़ जाती है? तो इसका आंसर है सिगाटोका लीफ स्पॉट, एक फंगल डिसीज है जो कि अगर क्लोज प्लांटिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी फैलता है, तो ये उसको बढ़ाने में बहुत ही मतलब सिगाटोका लीफ स्पॉट के इंसिडेंस के लिए बहुत ही सहायक है, इसलिए हम लोग इसको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सिगाटोका लीफ स्पॉट है। एस्परगस, एस्परगस इज ए वेजिटेबल, किस प्रकार का वेजिटेबल है एस्परगस? एनुअल है, बाइनियल है, या पेरेनियल है? तो एस्परगस एक पेरेनियल वेजिटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉसम इन रॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाई, BER, इसको शॉर्ट में BER भी बोला जाता है, तो ये इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ब्लॉसम इन रॉट किसके कारण होता है टोमेटो में? तो इसका आंसर है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकोपीन डेवलपमेंट इन टोमेटो इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर गोज अबव, मीन्स जो टोमेटो में जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि जो रेड कलर होता है टोमेटो में वो लाइकोपीन के कारण होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो किस टेम्परेचर के बाद अफेक्ट होता है? मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसका जो लाइकोपीन का डेवलपमेंट है वो कम होते जाता है या फिर अफेक्ट होता है, तो वो टेम्परेचर पूछा गया है, तो ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो लाइकोपीन का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है या फिर कहना चाहिए कम हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ मैंगो। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं मैंगो का क्रोमोजोम नंबर तो 40 होता है, अगर इसमें आप बाकी बाकी प्लांट्स के हिसाब से देखें तो बेसिक क्रोमोजोम नंबर 20 होना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मैंगो प्लांट है वो एलो टेट्राप्लॉइड प्लांट है, मीन्स उसमें जो बेसिक क्रोमोजोम्स होंगे वो 4 होंगे, तो जो ये जो 40 इसका क्रोमोजोम है ये 4 भाग में डिवाइड होगा क्योंकि ये टेट्राप्लॉइड है, तो इसका जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर होगा वो 10 होगा, ना कि 20 होगा, तो इसका आंसर है 10, बेसिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ मैंगो। एक और बात, जो इसकी एक और रूट स्टॉक है विल्ले कोलम्बन, जो मैंगो का रूट स्टॉक है विल्ले कोलम्बन, वो ऑक्टाप्लाइड है, उसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है, तो वो मैंगो का एकमात्र वेराइटी है जिसका क्रोमोजोम नंबर 80 है, विल्ले कोलम्बन, और वो रूट स्टॉक अल्फांसो में यूज किया जाता है ड्वार्फिंग के लिए, अगर हमको अल्फांसो वेराइटी उगाना है, ड्वार्फ वेराइटी इसको उगाना है, तो विल्ले कोलम्बन का यूज किया जाता है रूट स्टॉक के रूप में जिसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, ऐसे मैंगो कौन सी वैरायटी है जो ऑक्टाप्लाइड है, वो विल्ले कोलम्बन है, उसका क्रोमोजोम के नंबर कितना होता है, उसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है, तो ये 3-4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्नू इज ए क्रॉस बिटवीन, किन्नू जो मैंडेरिन के सबसे बेस्ट वेराइटी है वो किसका किसका क्रॉस है? तो इसका आंसर है किंग मैंडेरिन एंड विलो लीफ, जो सिट्रस ग्रुप है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है मैंडेरिन, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट या कहना चाहिए क्रॉप मैंडेरिन है सिट्रस पूरे ग्रुप में, और ये जो किन्नो हाइब्रिड वैरायटी है ये अभी सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जा रही है मैंडेरिन की, तो ये क्रॉस है किंग मैंडेरिन और विलो लीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें मैचिंग दिया गया है फ्रूट और उसके टाइप से को लेकर, तो देखते हैं विच इज नॉट ट्रू, मैंगो ये ड्रूप होता है मैंगो, गुआवा ये भी बेरी होता है सही है, बनाना ये भी बेरी होता है, बनाना भी बेरी होता है, एप्पल पेपो नहीं, पेपो नहीं होता है एप्पल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट कौन सा है इसमें पूछा गया है, ग्रेप क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट नहीं है, कस्टर्ड एप्पल क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट नहीं है,
पॉम ग्रेनेट भी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट नहीं है, तो बेर एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। इसमें मैं आपको एप्पल क्या है वो भी बताना चाहता हूँ। एप्पल पेपो नहीं है, लेकिन क्या है, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश बनाना ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी ऑफ बनाना इज, बनाना के कई जीनोमिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रिपल ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी बी हो गया, और एक और होता है ए बी। तो उसमें पूछा गया ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है, कौन से जीनोमिक ग्रुप से आती है। तो ये जो मूसा ट्रिपल ए ग्रुप है उस जीनोमिक ग्रुप से आता है ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैंगो हाउ मच परसेंट ऑफ फ्लावर सेट फ्रूट एंड रीच अप टू मैच्योरिटी। कहने का मतलब है जितने भी फ्लावर्स लगते हैं मैंगो प्लांट में, उसमें कितने परसेंट फ्लावर जो मैच्योरिटी तक पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत ही कम होता है मैंगो में, सिर्फ 0.1% फ्लावर्स ऐसे हैं जो मैच्योरिटी तक पहुँच पाते हैं, बाकी सभी फ्लावर्स झड़ जाते हैं या फिर पॉलिनेट नहीं हो पाते। इसलिए एंड ऑन एन एवरेज सिर्फ 0.1% फ्लावर्स ही हैं जो मैच्योरिटी तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉली एम्ब्रॉनिक वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की पॉली एम्ब्रॉनिक वैरायटी कौन सी है। चार ऑप्शन दिए हैं, चंद्र किरण, बॉम्बे ग्रीन, नीलम और केसर। तो ये तीनों वैरायटी पॉली एम्ब्रॉनिक वैरायटी नहीं है, सिर्फ चंद्र किरण वैरायटी है जो पॉली एम्ब्रॉनिक वैरायटी है, और कई सारी वैरायटी है मैंगो की जो पॉली एम्ब्रॉनिक है। मैं कुछ और नाम बता देता हूँ आपको, ताकि अगर कभी एग्ज़ाम में यार कोई दूसरा ऑप्शन दिया रहे तो आपको पता रहे। पप्पा कई, गोवा, ओलर, सोलन और बेल्लारी, ये कुछ और वैरायटी है मैंगो की जो कि पॉली एम्ब्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रूट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ मैंगो। इन्स जो मैंगो की मैच्योरिटी इंडेक्स है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो पूछा जा रहा है कि कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जब मैंगो मैच्योर हो जाता है। तो इसका आंसर है 1.01 से 1.02, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मैंगो की मैच्योरिटी टाइम पे। दशहरी में सिर्फ इतना होता है 1.01 दशहरी का, ये नहीं होता, बाकी अदर्स वेराइटी में 0.1 से 0.2 तक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेप इज ए रिच सोर्स ऑफ ग्रेप इज रिच सोर्स ऑफ टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ग्रेप इज रिच सोर्स ऑफ टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडलेसनेस इन बनाना, बनाना में सीडलेसनेस किसके कारण होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं बनाना एक सीडलेस क्रॉप है, सीडलेस फ्रूट है। इसका जो कारण है वो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। बनाना में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कार्पी पाया जाता है, जिसके कारण ये सीडलेस होता है। तो आज का यहीं तक क्वेश्चन ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसमें से एक दो भी क्वेश्चन आपके काम का निकल जाता है तो बहुत ही खुशी होगी। मैं और भी कोशिश करूँगा आगे कुछ वीडियो बनाने की जो कि यूजफुल हो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है एग्रीकल्चर्स पॉइंट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आप तक मिलते रहें। और जो फेसबुक है, फेसबुक पेज है, उसको भी आप लोग उसमें भी पेज को लाइक कर लीजिएगा, ताकि उसमें भी जो अपडेट्स हैं वो भी डालते रहूँगा। और उसमें फेसबुक पेज में हम लोग और भी डिस्कशंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस या फिर जो भी पोस्ट निकलते हैं एग्रीकल्चर में, ऑल इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल्स पे, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। कुछ क्वेश्चंस है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे या फेसबुक पेज पे, हम सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। सो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।